हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कोई भी मेकअप रिव्यू नहीं लाई हूँ और ना ही कोई डेकोरेशन लेके आई हूँ, क्योंकि हम दोनों लोग जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए बाहर। बाहर जाने से पहले पैकिंग करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, और स्पेशली हस्बैंड की पैकिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर एक भी सामान छूट गया ना तो सबसे बड़ी कंप्लेन आती है कि मेरा ये सामान नहीं रखा, वो सामान नहीं रखा, और खुद बैठे रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे ऐसे। चलिए, जब तक मैं पैकिंग करती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो हमारे कपड़ों की पैकिंग हो चुकी है ख़त्म, आप देख सकते हैं ये पैक हो गया है। अब बची हुई पैकिंग होगी कल। अब चले हम लोग सोने, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, और मिलती हूँ कल आपसे। हम लोगों की पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग रेडी भी हो चुके हैं। बस कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अपनी ट्रिप के लिए, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं और मेरे साथ है मेरे हस्बैंड। हेलो, कैसे हैं आप सब? अभी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको कुछ रास्ते की अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, अगर हमें दिख गई। अभी रास्ता दिखाएंगे, कैसा रास्ता है। बेसिकली ये एक वीकेंड ट्रिप तो नहीं है, किसी काम से ही जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। रात हो चुकी है, निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया। बेसिकली हमने सोचा था कि हम निकल लेंगे लगभग 5:30 बजे के आसपास, लेकिन कुछ ब्रांच में ज़्यादा काम आ गया तो रुकना पड़ गया। फाइनली 7 बजे निकल पाए और 8-7 घंटे की जर्नी है। इतना बता देता हूँ, पहाड़ों पे नहीं जा रहे, बिल्कुल भी नहीं जा रहे। बर्फ बहुत है भैया और रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी अवॉइड करिए। खासकर अगर 4x4 आपके पास नहीं है तो ज़रूर अवॉइड करिएगा, क्योंकि सारा शिमला मनाली जितना भी है सारा पैक पड़ा हुआ है। आप लोगों को नज़ारे दिखाते हैं अगर हमें दिखाई देंगे, क्योंकि रात का समय है, हो सकता है ना दिखाई दे। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी रुके हैं अपने डेजर्ट ढाबा सुबह पे, और कुल्हड़ चाय का आनंद लिया जा रहा है। और ये आपकी यूट्यूबर मैडम, अगर ठंड में कुल्हड़ चाय नहीं थी तो फिर क्या किया? और साथ में कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, पराठे, मिक्स पराठे वगैरह। पहुंच गए जहां मैं पहुंचना था। कहां पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, कहां पहुंचे हैं, ये आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो 2 बज गया, रास्ते में कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने लायक था नहीं, खाली रोडें थी, इसलिए ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, रात का समय था। चलिए, अभी 2 बज गया है, मंजिल पे पहुंच गए हैं, गेट खुलवाते हैं, अंदर जाते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।